हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज तो हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। इसकी जो हार्मोन वाला चैप्टर है अपने 11th क्लास के अंदर, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। उसी में एक लास्ट के अंदर एक टॉपिक दिया है अपने मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, इसको हम शुरुआत में ले रहे हैं। बाकी का अपन इसके बाद करेंगे। जो इम्पोर्टेंट चीज है उस सेगमेंट को पहले अपन समझ रहे हैं, ध्यान से सुनना है कि चीज को बहुत इजी है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। यहाँ पे अपने एनसीईआरटी को बिल्कुल फोकस किया है, तो हार्मोन के बारे में डिटेलिंग अपन और बाकी है कि हार्मोन कैसे हैं, किस किस टाइप के हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। पहले इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। तो देखिएगा, जल्दी जल्दी सुनिएगा, मैंने सब कुछ लिख दिया है, चीजों को समझना है। सबसे पहले हार्मोन है जो सिक्रेट होने के बाद किसी सेल तक जाएंगे। किसके थ्रू जाते हैं? या तो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू। बोले तो बॉडी की हर एक सेल तक हार्मोन ब्लड या लिम्फ के थ्रू ट्रांसफर हो सकते हैं। बॉडी की हर सेल तक पहुंच सकते हैं हार्मोन, बट हर सेल के ऊपर हार्मोन एक्शन करे जरूरी नहीं है। हार्मोन उसी सेल या उसी टिश्यू पर एक्शन करेगा जिस सेल पर उस हार्मोन के लिए रिसेप्टर्स होंगे। रिसेप्टर का मतलब है जिस साइट पर जाके हार्मोन बाइंड होगा। अगर जिस सेल के पास वो है तो उसके ऊपर जाके बाइंड होगा। बोले तो हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होता है। क्या बोला मैंने? रिसेप्टर स्पेसिफिक, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं बोला। हार्मोन स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है। जो हमारे अंदर है, दूसरे एनिमल के अंदर अगर हार्मोन है तो वो स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, सेम ही है। मैंने क्या बोला? रिसेप्टर स्पेसिफिक है। बॉडी की हर एक सेल तक हार्मोन पहुंच सकता है, सही बात है, लेकिन बॉडी की हर सेल के ऊपर एक्शन करे ये जरूरी नहीं है। वो उन्हीं सेल पे एक्शन करेगा जिनके ऊपर उनका रिसेप्टर होगा, ठीक है। और उनका रिसेप्टर हो सकता है सेल की सरफेस पे हो, बोले तो मेम्ब्रेन पे हो सकता है सेल के अंदर हो। देखते हैं कि हॉर्मोन्स बाइंड टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स कॉल्ड हॉर्मोन रिसेप्टर्स। हॉर्मोन्स क्या करते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन के ऊपर बाइंड होते हैं रिएक्शन करने से पहले, अपना एक्शन करने से पहले। तो उसको क्या बोलते हैं? रिसेप्टर। रिसेप्टर दो टाइप के हो सकते हैं। ये एक सेल बनाई है मैंने, जिसमें शो किया है मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल सरफेस रिसेप्टर। कुछ एक ऐसे हॉर्मोन है जो मेम्ब्रेन की सरफेस पर आके बाइंड होते हैं। कौन से होते हैं? सुनिएगा, हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में अच्छे से तुम जानते हो, सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जानते हो, हमें पता है फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, बीच-बीच में एम्बेडेड प्रोटीन है कि नहीं है। ऑल ओवर अगर मॉइटी की बात करें सेल मेम्ब्रेन की, क्या है, कैसी है, वो हाइड्रोफोबिक नेचर की है, अरे है कि नहीं है। तो अब दो टाइप के हार्मोन होते हैं, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। बोले तो लिपिड सोल्यूबल हाइड्रोफोबिक, वाटर सोल्यूबल हाइड्रोफिलिक। तो यहाँ पर जो हाइड्रोफोबिक हार्मोन है वो तो क्या होंगे, मेम्ब्रेन को आराम से क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि ऑल ओवर मॉलिक्यूल क्या है, फॉस्फोलिपिड, क्योंकि फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल ज्यादा है मेम्ब्रेन पर, तो इजीली लिपिड सोल्यूबल है, तो लिपिड में सोल्यूबल होकर आराम से सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं। लेकिन वो जो हाइड्रोफिलिक है, बोले तो जो प्रोटीन नेचर के हैं, वो मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। तो उनको क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए, स्पेसिफिक प्रोटीन चाहिएंगे, और हमें पता है मेम्ब्रेन में बहुत सारे प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं, तो उन प्रोटीन के साथ हार्मोन बाइंड करेगा और अपना एक्शन शो करेगा। दो टाइप के रिसेप्टर हो सकते हैं रिसेप्टर सेल सरफेस पे हो। ये मैंने रेड कलर में रिसेप्टर शो किया है, और उसके ऊपर ये देखो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल। बोले तो हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल का मतलब हार्मोन से है, जो हाइड्रोफिलिक नेचर का है, या बोले तो प्रोटीन नेचर का है। सबसे ज्यादा हार्मोन प्रोटीन नेचर के ही है, जिसे इंसुलिन, ग्लूकागॉन, एपिनेफ्रिन, नोरएपिनेफ्रिन, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। एमिनो एसिड से मिलकर क्या बनता है, प्रोटीनेशियस नेचर के है कि नहीं है। ये सारे प्रोटीन नेचर के जो होंगे, जो क्या होंगे, हाइड्रोफिलिक, जैसे FSH, LH, ये क्या है, प्रोटीन नेचर के हैं। तो ये कहां पे बाइंड होंगे, सेल की सरफेस पे आके बाइंड होंगे, क्योंकि मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। क्लियर है ना इतना? चलिए, अभी ये हाइड्रोफिलिक सिग्नल मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल। हाइड्रोफोबिक सिग्नल मॉलिक्यूल प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा नहीं, फैट सोल्युबल है, तो आराम से क्या करेगा, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा। और इनके रिसेप्टर्स, इन हार्मोन के रिसेप्टर या तो साइटोप्लाज्म में होंगे या फिर न्यूक्लियस में होंगे। ज्यादातर न्यूक्लियस में मिलते हैं, बाकी साइटोप्लाज्म में भी मिल सकते हैं,
ज्यादातर क्या होते हैं, न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। इनको क्या बोलते हैं, ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल। तो टारगेट सेल बोले, टारगेट सेल का मतलब जिस पे हार्मोन काम करने वाला है, क्लियर है। इसके एग्जांपल हाइड्रोफिलिक हार्मोन जो प्रोटीन नेचर के हैं, ग्लूकागोन, इंसुलिन, FSH, LH, एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, ये जो हार्मोन्स हैं। जैसे यहाँ पे अपन ने FSH की एक्टिविटी शो की है, अरे है कि नहीं, ध्यान रखना बेटा एक चीज इंपॉर्टेंट, थायरोक्सिन प्रोटीनेसिस हार्मोन है। कैसा है, इंपॉर्टेंट है, ऐड कर लेना, थायरोक्सिन प्रोटीनेसिस हार्मोन है, बट वो फैट सोल्युबल है या लिपिड सोल्युबल है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है कि उसके अंदर दो बेंजीन रिंग मिलती है, उसकी वजह से वो लिपिड सोल्युबल बन जाता है, ठीक है। तो प्रोटीनेसिस हार्मोन हाइड्रोफिलिक नेचर के हैं, उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन की सरफेस पे मिले। और हाइड्रोफोबिक हार्मोन जैसे बोले थायरोक्सिन हार्मोन और स्टेरॉइडल हार्मोन, उनके रिसेप्टर सेल के अंदर होंगे, आइदर साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, क्लियर है। जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड हो जाएगा, चाहे मेम्ब्रेन पे बाइंड हो जाए या सेल के अंदर हो जाए, क्या बनेगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, तो उस सेल के अंदर हार्मोन क्या करवाएगा, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस, क्या करवाएगा, बायोकेमिकल चेंजेस इन टारगेट टिश्यू। बायोकेमिकल चेंजेस का मतलब है कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाएगा, क्योंकि हार्मोन को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करना है। कुछ बोले तो अगर सेल डिवीजन करवाना होगा तो सेल डिवाइड करवाएगा, ग्रोथ करवानी होगी तो ग्रोथ करवाएगा, जो भी काम करना होगा उसके अकॉर्डिंग बायोकेमिकल चेंज करेगा, किसमें, टारगेट टिश्यू या सेल में। नेक्स्ट, हार्मोन रिसेप्टर स्पेसिफिक होते हैं, ये मैं पहले बोला कि जो भी हार्मोन होते हैं उनके लिए, हर एक हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होते हैं। ऐसा नहीं है कि हार्मोन कहीं से आया, किसी सेल के ही साथ अटैच हो गया, किसी सेल में कहीं पर अटैच हो गया, ऐसा नहीं होगा। सेल स्पेसिफिक होगा बोले तो जिस सेल के पास उस हार्मोन का रिसेप्टर होगा, बोले तो उसके बाइंड करने का प्रोटीन होगा तो ही वो उसके साथ बाइंड करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। चाहे सेल के आसपास हार्मोन आता रहे, वो उसके ऊपर एक्शन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास रिसेप्टर नहीं है। तो रिसेप्टर क्या है, वो प्रोटीनेसिस स्ट्रक्चर जहां पर हार्मोन आकर बाइंड होता है। तो हार्मोन क्या होता है, रिसेप्टर स्पेसिफिक, क्लियर है, स्पीशीज स्पेसिफिक नहीं है, अपने अंदर है, वो दूसरे एनिमल में अगर हार्मोन है तो वो सेम ही है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मैकेनिज्म में। सबसे पहले ये थोड़ा इंट्रो दे दिया अपने, प्रोटीन हार्मोन। प्रोटीन हार्मोन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। जो वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, अभी पढ़ के आए, उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन के सरफेस पे मिलेंगे। ये मैंने रिप्रेजेंट करी है मेम्ब्रेन, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर, और रेड कलर में क्या शो किया है, प्रोटीन, ठीक है। सिंगर और निकोलसन का मॉडल आई पता है तुम्हें अच्छे से, ये एनसीईआरटी ने दिया है, वो लिखा मैंने ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन, कि जो ओवरी है उसकी सेल, ओवरी की सेल की सेल मेम्ब्रेन है। हार्मोन रिप्रेजेंट किया है यहां पे FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का एक्शन रिप्रेजेंट किया है एनसीईआरटी ने तुम्हें। और FSH क्या होता है बेटा, एक प्रकार का किस नेचर का है, प्रोटीनेसिस नेचर का है, या बोले तो ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है। किस नेचर का है, ग्लाइकोप्रोटीन नेचर का है, बोले तो प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट ऐड कर देता है तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाता है, अरे बनता है ना, वो क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। बोले तो हार्मोन क्या है, प्राइमरी मैसेंजर, सबसे पहले इंफॉर्मेशन लाने वाले, इनके पास इंफॉर्मेशन है, फिर आगे ये नए इंफॉर्मेशन, नए मैसेज जनरेट करवाएंगे। पहले लेके कौन आए, हार्मोन, तो हार्मोन को क्या बोला, प्राइमरी मैसेंजर। अब नया मैसेज जनरेट करेंगे, उनको बोलते हैं सेकेंडरी मैसेंजर। तो हार्मोन क्या होते हैं, हमेशा प्राइमरी मैसेंजर, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो उन्हें पता है कि क्या चेंज करवाना सेल के अंदर, क्या एक्शन करवाना। अब ये सेल मेम्ब्रेन शो कर दिया अपने, जैसे ही ये हार्मोन पहले उदास था, खुश हो गया, रिसेप्टर मिल गया, जैसे इस प्रोटीन रिसेप्टर के साथ बाइंड हुआ तो इस सेल के अंदर ये कुछ रेस्पॉन्स जनरेट करेगा। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, सेल के अंदर रेस्पॉन्स जनरेट करेगा, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएगा। क्या बायोकेमिकल चेंजेस लेके आएगा, जैसे हार्मोन इसके साथ बाइंड हुआ तो सेल के अंदर क्या होगा, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर। प्राइमरी मैसेंजर तो कौन है, हार्मोन, ये अंदर कुछ सेकेंडरी मैसेंजर का फॉर्मेशन करवाएगा। ये कब होगा, जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाएगा, अगर बाइंड नहीं किया तो नहीं बनेगा। जैसे बाइंड किया, कुछ बायोकेमिकल चेंज बोले तो सेकेंडरी मैसेंजर का जनरेशन हो गया। जैसे सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जांपल दिया, जैसे साइक्लिक एएमपी, साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और कैल्शियम, ये दो ध्यान रखना।
इसके अलावा और भी होते हैं इनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट, इनोसिटोल ट्राई फॉस्फेट और डाई एसाइल ग्लिसरॉल, डाई एसाइल ग्लिसरॉल ये भी सेकेंडरी मैसेंजर है। तुम दो याद रखना, साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, ठीक है। अब ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हो चुके हैं, अब ये सेकेंडरी मैसेंजर क्या करेंगे, सेल के साइटोप्लाज्म में जितने भी कोई इनएक्टिव एंजाइम्स पड़े हुए हैं जिनको काम करना है जितने भी इनएक्टिव एंजाइम होंगे उन सभी इनएक्टिव एंजाइम को ये सेकेंडरी मैसेंजर एक्टिवेट करवा देंगे। क्या सेकेंडरी मैसेंजर जो बने हैं ये जो इनएक्टिव एंजाइम प्रेजेंट होंगे उनको एक्टिवेट करवा देंगे और एंजाइम नॉर्मल स्टेट में बेटा इनएक्टिव ही रहते हैं, वरना तो सेल के किसी पार्ट को डिग्रेड कर दे या जो रिएक्शन नहीं करवाने वही करवा सकते हैं। तो क्या जो इनएक्टिव है उन सबको क्या कर देगा ये एक्टिवेट, इनके पास मैसेज आया है कि भाई अब एक्शन शो करना है कि हॉर्मोन आ चुका है ये काम करना है। जैसे ही एक्टिवेट हो गया बोले तो बायोकेमिकल रेस्पॉन्स जनरेट हो गया और जैसे ही सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट हुए तो अपना फंक्शन करेंगे और क्या फंक्शन कर रहे हैं उनको क्या नाम दिया है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स। फिजियोलॉजी का मतलब बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सेल ग्रोथ कर रही है, सेल डिवाइड कर रही है या डिफरेंशिएट हो रही है। बोले डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हो ना कि नॉर्मल सेल का अपने फंक्शन करना, फंक्शन में कन्वर्ट होना कि नॉर्मल सेल अभी कोई फंक्शन नहीं कर रही थी जस्ट डिवाइड हुई है, अब उसको डिफरेंशिएट करना है कि क्या काम करेगी तो उसका डिफरेंशिएशन करना और बोले तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कोई भी केमिकल रिएक्शंस को परफॉर्म करवाना, ये सब क्या है फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स है। यहाँ पे क्या लिखा है ओवरी ग्रोथ, बोले तो अगर FSH आया हॉर्मोन रिसेप्टर के साथ जुड़ा अंदर जनरेट किए साइक्लिक एएमपी और कैल्शियम, इनकी वजह से इनएक्टिव एंजाइम क्या हुए एक्टिवेट हुए, जैसे एक्टिवेट हुए तो ओवरी की ग्रोथ होगी, ओवरी की सेल डिवाइड होगी, साइज बढ़ेगा, ओवरी ग्रोथ होगी, ये प्रोटीन हार्मोन का एक्शन। क्लियर है ना सबको, वेरी गुड, ध्यान से एक एक चीज को बेटा समझते हो। नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन या बोले तो लिपिड सोल्यूबल, इसके एग्जांपल अपन बाद में बताएंगे प्रोटीन हार्मोन और कौन कौन से है। नेक्स्ट है स्टेरॉइड हार्मोन या लिपिड सोल्यूबल हार्मोन, हमें पता है ये सेल मेम्ब्रेन है, अरे है कि नहीं है, ये सेल मेम्ब्रेन बना दी अपन ने, सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर है या प्रोटीन से और नहीं किया मैंने क्योंकि हम लिपिड सोल्यूबल को समझ रहे हैं तो प्रोटीन रिप्रेजेंट नहीं कर रहे क्योंकि जो हार्मोन होगा वो डायरेक्टली मेम्ब्रेन को क्रॉस कर देगा फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर को क्योंकि खुद क्या है लिपिड नेचर का है। ध्यान रखना है यहाँ पे थायरोक्सिन हार्मोन भी क्रॉस कर जाएगा, याद रखिए थायरोक्सिन हार्मोन प्रोटीन नेचर का है बट लिपिड सॉल्युबल है, बाकी जो प्रोटीन नेचर के होते हैं वो वाटर सॉल्युबल है। यहाँ से हार्मोन अभी बाहर बैठा है एक्शन करने को नहीं मिल रहा, जैसे मेम्ब्रेन को क्रॉस किया आ गया, इसके रिसेप्टर साइटोप्लाज्म में भी हो सकते हैं और न्यूक्लियस में भी, मोस्टली न्यूक्लियस में मिलते हैं। ध्यान से ये आ गया, अब साइटोप्लाज्म सेंटर करेगा न्यूक्लियस में, ये अपने न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिप्रेजेंट करी है, न्यूक्लियस के अंदर ये कोई प्रोटीन है जिसके साथ इनका क्या है रिसेप्टर है, इस प्रोटीन के साथ जैसे ये आया तो क्या बन गया अटैच हुआ तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स तो रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये रिसेप्टर हार्मोन कॉम्प्लेक्स है ये ऐड हो जाएगा किसके साथ जीनोम के साथ, किसके साथ ऐड हो जाएगा जीनोम के साथ, जीनोम का मतलब समझो जेनेटिक मटेरियल या बोले तो डीएनए। ध्यान से बहुत इजी है तो तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, जीनोम के साथ कॉर्पोरेट हो गया जुड़ गया जीनोम को बोले तो डीएनए को एक्शन करवाएगा, तो ये क्या करवाएगा डीएनए क्या करता है डीएनए से एमआरएनए बनवाएगा तो बोले तो क्या करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन, क्या करवाएगा ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए फिर क्या बनाएगा प्रोटीन बनाएगा बोले तो क्या करवाएगा ट्रांसलेशन, और अगर वो प्रोटीन कोई एंजाइम है तो किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करेगा, कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस होगी तो बॉडी के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंज आएंगे और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स या चेंज आएंगे जैसे यहाँ पे दिखाया या तो टिश्यू की ग्रोथ होगी या डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर है ये एक्शन है लिपिड सोल्यूबल हार्मोन का, क्लियर है न्यूक्लियस के अंदर है जीनोम के साथ अटैच होकर बोले तो डीएनए को एक्टिवेट कर रहा है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने के लिए, ठीक है ना। आगे अपन जेनेटिक्स में एक चीज पढ़ेंगे ध्यान से सुनिएगा, जेनेटिक्स में हम ऐसा पढ़ेंगे कि जो जीन है जीन एंजाइम बना रहा है वो किसी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, मैं वहां पे ऐसा बोलूंगा अकेला जीन होना ही सब कुछ नहीं है,
अकेला जीन होना ही सब कुछ नहीं है, जीन को जीन अपने आप को एक्सप्रेस भी करना चाहिए, तब कैरेक्टर कंट्रोल होगा। और वो एक्सप्रेस करने के लिए चाहिए फेवरेबल कंडीशन, और फेवरेबल कंडीशन में हार्मोन भी आता है। बोले तो उस जीन को वो जो हार्मोन मिला है, हार्मोन मैसेज लेके आया है कि तेरे को ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करना है और आगे कुछ प्रोटीन और एंजाइम बनाना है जो कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। अरे क्लियर है ना, क्या बोलेंगे वहां पर? साथ साथ बोलना है, जीन होना ही सब कुछ नहीं है, उसका एक्सप्रेस करना भी जरूरी है, और एक्सप्रेस तब करेगा जब कंडीशन फेवरेबल होगी, जैसे हॉर्मोन्स प्रेजेंट होगी। क्लियर है ना, तो ये हो गया लिपिड सोल्युबल हार्मोन का एक्शन। अब नीचे ये दो पॉइंट लिखे हैं, ये ध्यान से रखना बेटा, क्या जब लिपिड सोल्युबल हार्मोन ने एक्शन किया तो क्या यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर बना? क्या सेकेंडरी मैसेंजर बना? लेकिन यहाँ सेकेंडरी मैसेंजर बना था, यहाँ पर लिपिड सोल्युबल हार्मोन एक्शन करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर नहीं बनाते, ये डायरेक्ट जीनोम के साथ ऐड होते हैं और अपना फंक्शन करवाते हैं। तो मैं यहाँ रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे एनसीटीएल लिखा प्रोटीन, ये लो प्रोटीन यहाँ पे बाइंड हो गए प्रोटीन और एक्शन करवाएगा। ठीक है, तो सेकेंडरी मैसेंजर लिपिड सोल्यूबल में नहीं बनते, यहाँ पे बनते हैं। ये बनके क्या करते हैं, डिफरेंस देखे तो ये सेकेंडरी मैसेंजर बनके इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं, ये इनएक्टिवेट को एक्टिवेट नहीं कर रहे, ये तो बनवाते हैं किससे, डीएनए से। डिफरेंस समझ में आ रहा है, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है नहीं होता, ये इनएक्टिवेट को एक्टिवेट करते हैं, ये नया बनवाते हैं, और नया बनवाने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो एंजाइम पड़े हैं उनको एक्टिवेट ही करना है। ये एक्शन फास्ट शो करते हैं, इनका एक्शन स्लो होता है, क्योंकि ये आएंगे जीनोम के साथ कॉर्पोरेट होंगे, फिर ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन काम करवाएंगे, फिर अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो बोले तो इनका एक्शन स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग है। ये सुनिएगा, रिप्लाई लिखिए, द एक्शन ऑफ लिपिड सोल्युबल हार्मोन इज स्लोअर, एक्शन स्लो है क्योंकि आएंगे जब जीनोम के साथ कॉर्पोरेट होंगे, आगे ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे, वो एंजाइम की फिजियोलॉजिकल फंक्शन को कंट्रोल करेगा, तो इस चीज में टाइम लगेगा, बोले तो स्लो प्रोसेस है बट लॉन्ग लास्टिंग देन द वाटर सोल्युबल हार्मोन, जो प्रोटीन हार्मोन है उसके कंपैरिजन में लॉन्ग लास्टिंग है। कैसे है ये, तो एंजाइम को सिंथेसाइज करवा रहा है, जितना एंजाइम बना उतना काम होगा। यहां पर जो सेकेंडरी मैसेंजर ने इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट कर दिया, जो काम करवाना था, जो रिस्पॉन्स करवाना था, एक बार वो रिस्पॉन्स जैसे खत्म हुआ कि बस अब काम नहीं करवाना, बस इतना ही करवाना था, तो वो क्या होगा, जो इनएक्टिवेट एंजाइम हुए थे, जो इनएक्टिवेट एक्टिवेट हुए थे, उन सब एंजाइम को वापस क्या कर दिया जाएगा, सप्रेस कर दिया जाएगा, इनएक्टिवेट कर दिया जाएगा। फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम, याद नहीं करना, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम उन एक्टिवेटेड एंजाइम को वापस इनएक्टिव कर देगा और ये रेस्पॉन्स रुक जाएगा। वो रेस्पॉन्स चलेगा क्योंकि डीएनए जीनोम के साथ ऐड हुआ, आरएनए प्रोटीन, और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह एक्शन कर रहा है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। क्लियर है ना, ये था हार्मोन एक्शन, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, बाकी मिलते हैं अपन ब्रेक के बाद। धन्यवाद।